विश्व इतिहास का सबसे पुराना विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए नए द्वार खुले। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना या मिलना। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक रूप से घोषित कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्ण योगदान है। वह एक ऐतिहासिक क्षण था जब यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। पूरे विश्व में हर बार की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपकी नाभि पेट अंदर होगा चेक करने के लिए, लेकिन ध्यान आपका कहाँ रहेगा? यहाँ पर या फोरहेड में। और पोजीशन चेक करने के बाद वापस उसी पोजीशन में आ जाना है और इसको 20 to 25 टाइम्स करना है। ये केवल यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जब आप घर में करेंगे तो इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, पेट की किसी भी तरह की समस्या हो। It was a good morning, and I hope you all have enjoyed it. I indeed did it. And but I should say, as the gentleman said, it has to be a part of your lifestyle. इन्होंने कहा था जीवन शैली का अंग होना चाहिए, एंड आई फुल्ली एग्री विद हिम, आई फुल्ली एंडोर्स हिम दैट वी शुड ट्राई टू हैव इट एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ। ए फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग विल टेक ए लॉन्ग वे फॉर ए वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक डे। दैट्स ऑल आई कैन से, लेट्स डू इट इन द नेम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। एंड वी ऑल आई विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी डे एंड होप remain healthy physically, mentally and spiritually. Thank you very much. Nice meeting you.